गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ज्योति। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना बिजी रूटीन। तो एक तरफ जो है ना मेरा दूध उबल रहा है और दूसरी तरफ जो है मेरा काढ़ा बन रहा है। और आज मुझे मशीन लगानी है क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जो एक तरफ अभी दूध उबल रहा है और काढ़ा बन रहा है तो क्यों ना मैं अपनी मशीन भी लगा लेती हूँ। आज जो रात को इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना अच्छा मौसम, ऐसा लग रहा था कि सुबह भी बहुत अच्छा मौसम होगा, बट सुबह बहुत ज़्यादा उमस, गर्मी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर भी मैं बाहर आकर थोड़ा सा बैठ गई थी, आराम से बाहर का नज़ारा ले रही थी। मन तो बहुत था मेरा कि मैं बाहर जाऊँ, थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी ना इसलिए, तो इसलिए ना मैं ही आकर पी रही हूँ अभी काढ़ा। और अभी ये दोनों सो रहे हैं दूसरे वाले रूम में, तो मैंने यहाँ की जो चादर है उसको ठीक कर रही हूँ। वैसे ठीक थी बट थोड़ी सी जैसे आना रात को थोड़ा सा उछल कूद करती है तो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो उसी को मैं ठीक कर रही हूँ। चादर अभी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि एक तो डार्क कलर की भी है और अभी 2 दिन पहले ही मैंने बिछाई थी। हाँ, जब लाइट कलर की होती है ना तब मैं चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज़ जैसे डार्क कलर की होती है तो थोड़ा चल जाता है। और इस रूम में सोना भी नहीं हो रहा है तो और ज़्यादा ही जो चादर है वो साफ़ रहती है। बाकी इस रूम की सारी डस्टिंग कर दूंगी और उसके बाद आऊँगी। जो मेरी किचन में रात के जो बर्तन है उसको मुझे लगाना है। काढ़ा अपना फिनिश कर लिया है, अभी इनका काढ़ा रह गया है, तो अभी मैंने इनका जब वो उठ जाएंगे ना तब मैं दूंगी। जो अभी मेरे बाकी जो घर के काम है मैं उनको भी ख़त्म करूंगी और उसके बाद जाकर जो मेरे कपड़े हैं ना वो भी धुल चुके थे क्योंकि ज़्यादा तो थे नहीं, एक ही बार मैंने सारे डाल दिए थे। आज मुझे कपड़े वॉश करने, आज फ्राइडे है इसलिए, और आज मुझे कहीं जाना भी है तो थोड़ा जो काम है मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी भी ख़त्म करना है क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है। तो कपड़े सारे सूख चुके, सॉरी धुल चुके हैं, तो अभी मैं सुखा दूंगी। और अभी आरना उठ गई थी तो उसको मैंने बादाम जो भी सुबह वो कर खाती है तो वो करके इसको दे दिया है। और जाके जो मेरी मैंने ना चाय का पानी भी चढ़ा के रख दिया था तो वो भी जाके मैं चाय मतलब मेरी बन चुकी होगी तब जब जाऊंगी तो। और उसके बाद फिर फटाफट से हम नाश्ता करेंगे। और सुबह का 9 बज रहा है तो आधा काम मेरा खत्म हो गया है, बट अभी आधा रह गया है, मतलब क्या रह गया है, सिर्फ पोछा लगाना रह गया है। और कल इतनी तेज वाली आंधी आई थी, इतनी तेज वाली, तो मुझे लगा कि शायद सुबह बहुत अच्छा मौसम होगा, बहुत अच्छा, बट धूप इतनी तेज आ गई है, अभी इतनी गर्मी लग रही है, काम करने में इतनी गर्मी लग रही है, आपको मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि ना मैं थोड़ी देर बाहर चले जाऊं, कि सुबह सुबह का टाइम है ना और आग जल्दी आग खुल गई थी मेरी, मैंने सोचा कि चलो आज मैं बाहर चल जाती हूँ, फिर मैं नहीं गई। चलो मैं तो गई हूँ, एक बार जब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जल्दी उठ गई थी तो मैं पार्क गई थी, नीचे गई थी, पर मेरे हस्बैंड कितने 2 महीने होने वाले हैं अभी तक नहीं गए, मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम तो चलो तब भी चले गए बट वो नहीं गए, मैं आपको ना उनका जो आरोग्य सेतु होती ना वो वाली ऐप दिखाऊंगी आपको। तो अभी जो है ना दूध जो मेरा उबल तो चुका है, कपड़े भी मैंने बालकनी में सुखा दिए और ब्रेकफास्ट भी हो गया, बस मेरा पोछा रह गया और
अभी मैं आरना को निला रही हूँ और गर्मी बहुत लग रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। रात को ना मैंने वैक्स की थी हाथों पे, बट ठीक से नहीं हो पाई है, बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। तो मैंने फिर कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि ना जब वैक्स करते हैं तो वैक्स जो मेरी टी शर्ट पहनी हुई थी मैंने, वो कभी इस मतलब बाजू पे लग गई थी और नीचे इस यहाँ पे भी लग चुका था, तो इसलिए वो मैंने फिर उतार दी थी रात को। तो ये पहनी, और एक चीज दिखाऊ, ये मैंने ध्यान नहीं दिया और ये यहाँ से फट गया है। फटा नहीं है मतलब जैसे सिलाई नहीं निकल जाती, तो वो निकल गई है इसकी सिलाई। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि चलो मैं काम खत्म कर रही हूँ तो अगर इसको रिटायर करना होगा तो रिटायर कर दूंगी। वैसे तो गर्मी के लिए ये बेस्ट है, और नहीं तो फिर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सिलाई मार लूंगी। चलिए एक आगे का काम शुरू करते हैं। मैंने सोचा आप सबसे बात कर लेते हो, क्योंकि अब आपसे इतनी देर से मैंने ब्लॉग शुरू किया हुआ है तो अभी तक मैंने आपसे बात ही नहीं की है इसलिए, और कुछ लंच वंच कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले मैं ना आपको थोड़ा सा आरना को निलाकर आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेरे हस्बैंड का आरोग्य सेतु। आते हैं हम अभी आरना को निलाकर। इन्होंने खोला है और ये किया, तो ये सिर्फ 5 लोगों के संपर्क में आए। एक तो मैं ही होंगी और एक दूध वाला होगा, या जो कोरियर आता होगा वो वाला होगा। तो बस यही है, मतलब जो इंसान हर महीने जो डेली निकलता था वो कितने महीनों से, 1.5 महीनों से, 50 दिन से घर में है। ये है मेरे हस्बैंड, देख लीजिए ये। चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। ये मुझे दिखाना था, आपको दिखा दिया। अब मैं आ गई हूँ पैकिंग के लिए, तो पैकिंग कर रही हूँ तो मुझे देखना है आरनो के कौन से कपड़े रखने हैं, तो वही निकालूंगी अपने भी। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो नहा कर आ गई थी और घर के सारे काम भी हो गए थे, तो लंच वगैरह कर लिया है। दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का 2:30 बज रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ और मैं जा रही हूँ अपने मायके। हाँ तो मैं तो चली भाई अपने मायके, क्योंकि आरना भी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि नानी के घर जाना है, भैया की याद आ रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान सी हो रही थी एक ही जगह रह रहकर। तो फिर भाई यहीं पर जॉब करता है तो मैं उसके साथ जाऊंगी, तो मैं वही जो कपड़े हैं मुझे कौन से पहनने हैं तो वही मैं लेकर जा रही हूँ। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो घर पर ही कर रही हूँ, तो सब सो गए हैं तो रात में ही कर रही हूँ, क्योंकि आरना और जो मेरे भतीजा है दोनों खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इसलिए मैं इस टाइम पर कर रही जब सारे सो गए हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ और टाइम जो हो रहा था ना वो बज रहा था शाम का 5:30 या 6:45 का टाइम हो रहा था, और भाई आ गया था 6 बजे करीब। तो जल्दी जल्दी तैयार होंगी फिर, और फिर जाके मैं निकलूँगी। तो आपके साथ ज़्यादा कुछ मतलब शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो बस हम निकल चुके हैं मायके के लिए, और वहाँ जाकर थोड़ा सा बैठे बैठे बात बातें की, खाना वगैरह खाया। अपने हस्बैंड के लिए मैं खाना वगैरह बना कर आ गई थी तो वो कर लेंगे, और आरना के लिए मैं लेकर भी आ गई थी, क्योंकि गाड़ी में अब तो ट्रैफिक भी होने लगा है तो हो सकता है कि हाँ मुझे ट्रैफिक में 1-1.5 घंटा लग जाए, और इस टाइम पर फिर आरना को भूख भी लग जाती है, तो उसके लिए भी एक पराठा मैंने रख लिया था। और अपना जो व्लॉग है मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, मिलूँगी आपको अपने मायके वाले व्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, ठीक है? तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।